Your pretty eyes make me smile, and your little fists make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms. I'm really shy when I have to shoot in public. क्योंकि मुझे शर्म आती है. मेरी मम्मी को जैसे पता है. Yes. I am 25 minutes early. Which is too early, yeah. And the weather is really good. बहुत अच्छा मौसम है. I like summers, but जब उतनी भी गर्मी होती है ना तो मेरे को उतना पसंद है. काश मैं अंदर का शूट कर पाती, बट मेरे को डर लगता है कि अगर फ़ोन जब कर लिए तो नहीं यार ज्यादा कुछ नहीं है. तुम लोगों ने वैसे भी मास्क लगाया यही दिख रही है. देख ले एग्जाम की तैयारी हो गई क्या? करो यार तुम लोग भाग रहे हो, मेरे को कैमरा छुपाना है अपना. तुम ऐसे भाग रहे हो मुझे पूरा सुना रही हो तो नहीं. मेरे इसमें वैसे ब्यूटी मोड है, तेरी शक्ल अच्छी आ रही है. तो ये हमारा स्कूल का ग्राउंड है यार. तो यहाँ पे आगे कैमरा देखेंगे सब. हाँ समझा मैग्नीफिसेंट. हाँ समझा रही हूँ. हाँ तो ये क्या था? वो मैग्नीफिसेंट. और वो डोम्स. हाँ उसका मतलब क्या है? डोम्स मतलब लास्ट डेज. उनके लास्ट डेज होते हैं ना, तो वो हमें इंस्पायर करते हैं. अच्छा आ गया. अच्छा आ गया. वो हमें इंस्पायर करते हैं. ये मतलब है कि वो हमें इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो हमें क्या बोल रहा हूँ. अरे महानता कि उनकी महानता दिखती है कि मतलब वो लोग अपने बारे में ना सोच के अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे लिए. ब्यूटी है ना, अच्छी बात है, कोई गंदी बात नहीं है. तो बस वही है. ब्यूटी मतलब ऐसी नहीं है कि महानता है ना कि हमारे लिए. चलो हो गया हो गया. एग्जाम देने की बारी, टाइम आ गया. बाय. मैंने तो बहुत हरकते करती इसमें. दोस्तों बहाने बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लाखों हीरो बने हैं. ये नहीं करता कि आपके पास कितना समय है, मैटर ये करता है आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं. 8 मार्च को एंड वो है सोशियोलॉजी का. बट हिंदी के एग्जाम को देखो, सिर्फ एक छुट्टी है मुश्किल से. नहीं एक छुट्टी, एक भी छुट्टी नहीं है. ज्योग्राफी के बाद सीधे हिंदी एग्जाम है. तो फिर मैं सोचूँ कि आज के दिन मैं हिंदी की जो ग्रामर पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन है वो कर लूँ, और कल से मैं सोशियोलॉजी पढ़ना शुरू कर दूँगी. दैट वुड बी बेस्ट आई गेस. द नेक्स्ट डे. ओके तो फिर ये शोधा है एंड दिस इज खुशबू. और आज हमारा जियोग्राफी का एग्जाम था. जब भी ना पढ़े थे यार वो तो. ठीक है. क्लास में सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे. मैंने नहीं चीटिंग करी, मैं माँ करी. ये चीटिंग नहीं करती. ओके द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन. बेशक फेल होता है लेकिन ऑनेस्टी दिखानी है. ओके भाई. तो मेरा अब कल को हिंदी का प्रीबोर्ड है और आज ही मैं जियोग्राफी का प्रीबोर्ड किया हूँ. तो फिर एक दिन में अभिव्यक्ति और माध्यम मतलब राइटिंग पोर्शन करने हैं, पंद्रह क्वेश्चन एंटर्स करने हैं एंड अंडरस्टैंड हिंदी कैसे होगा. इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि फर्स्ट मैं राइटिंग पोर्शन कर लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन एंटर्स करूँगी. देखो क्वेश्चन किए हैं, कहाँ बताऊँगी और कहाँ बोलना चला रहे हैं. मैं फैमिली रहूँगी कहाँ भी आए एंड क्वेश्चन करें और सेम बोल दिस राइटिंग क्वेश्चन. मैं थोड़ा ही हिंदी बात करने को ईजी होती है, बट सब हमको सब जगह का प्रयोग करके एग्जाम्स में लिखना होता है. तो इट्स वी हार्ड. और हार्ड क्या बोलते हैं,
ऑब्वियसली मैं अपने हार नहीं लेता मतलब सिंपल सिंगल था लेकिन अपन हार नहीं आ रही है यहां पे यू नो शुड इन टिकट दे रहे हैं जो मेरे सबसे ऊपर जा रहे हैं चलो मेरा नहीं पता हां उसमें ना रिपोर्ट का करना ठीक है इंग्लिश हो गया सोशियोलॉजी हो गया ज्योग्राफी हो गया हिंदी हो गया पढ़ने हैं और हिस्ट्री या फिजिक्स का एडमिशन मैं 3 बजे में था उस बात का सर मैं चाय रखी हुई है यार कुत्ते क्यों भौंकते इतना रात को ही भौंकते हैं सुबह भी भौंकते हैं भी अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो मैंने यह सब कर लिया सुबह उठकर तांत्रिक के पास जाके प्रायश्चित कर लूंगा फिर सब ठीक हो जाएगा हुई 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 बाय द वे तुम लोग के साथ ऐसा कभी हुआ है कि जब तुम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और देन सडनली तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सदी सदी पुराने गाने आते हैं याद लाइक मेरे दिमाग में बिन तेरे आ रहा है या फिर कुछ के पॉप सॉन्ग्स आ रहे सो इट्स रियली ट्रस्ट फ्री टिंग Speaking of that, I think it's. This, look at that mark. Yeah. Wow. Look at that. Look at that. And that's how you learn something. Okay. We will do some simple things like, okay, let's do it. बाबर मायू अकबर इन सब की हिस्ट्री एंड इट्स रियली हार्ड टू मेमोराइज तो फिर मैं कर रही हूँ कि मैंने चैप्टर पढ़ रखा है एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँ मुझे स्टडी मटीरियल्स में क्योंकि चैप्टर मुझे आता है आई मीन जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे पता है तो फिर मैं बस स्टडी मटीरियल है जो स्कूल प्रोवाइड करता है फिर इनके साथ एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी दिमाग को चला के रखता है मेरा तो चलता नहीं है बट आपका चलेगा क्योंकि आप पढ़ोगे चलो फिर टाटा बाय बाय अलविदा बाय बाय टेल मी वन थिंग कि तुम लोगों की स्टेट में गर्मी हो गई है कि क्योंकि दिल्ली में हो गई है चूड़ा बट बट एनीवेज़ ये फोन करके मैं निकालू तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग स्टेट्स में तुम लोग की स्टेट में जो जगह ना पाता हूँ वहाँ पर मार्च में गर्मी हो गई क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है बहुत ही नहीं है बट गर्मी है फ्रेंड्स ओके The next day. हो गया बाय बाय एंड ऑफ द व्लॉग
के दिन हमारा ब्लॉग खत्म हो गया, इट वाज द लास्ट डे, और आज लास्ट डे का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था क्योंकि फोन ही जब्त हो गया था यार। हैप्पी होली, हैप्पी होली, सबकी शक्लें देखा लगा तो दिया भाग क्यों रही है यार, इधर आ तो लग गया देख देख आज घर भूत बन के जाएंगे यहाँ साफ क्या होगी यार, आज मैं कपड़े देखो कपड़े क्या बातें चल रही है। अभिषेक, अभिषेक